गाइस वेलकम बैक टू माय डीआईवाई हब। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि कैसे आप झुर्रियां और फाइन लाइंस इजीली हटा सकते हैं नेचुरल रेमेडी से। एक पर्टिकुलर एज के बाद रिंकल्स और फाइन लाइंस आना नॉर्मल है, बट आजकल के लाइफस्टाइल की वजह से प्री मैच्योर एजिंग भी बहुत कॉमन हो गई है। तो अगर आप इन चीजों पे सही समय पे ध्यान देंगे, जैसे अराउंड 25 और 26 इयर्स ऑफ एज से ही, तब आगे जाके आपकी स्किन पे इतनी जल्दी झुर्रियां और रिंकल्स नहीं दिखेंगे। और अगर आप ये प्रॉब्लम ऑलरेडी फेस कर रहे हैं तो बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए, क्योंकि मेरी आज की रेमेडी का मेन इंग्रेडिएंट है स्ट्रॉबेरी, जो कि एंटी एजिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट इंग्रेडिएंट्स है। ये जो फेस मास्क है ये बिल्कुल परफेक्ट है फेस और फोरहेड के रिंकल्स को हटाने के लिए, साथ ही जो भी फाइन लाइंस है आपके फेस पे वो भी निकल जाएंगे। आइए देखते हैं कि इस फेस मास्क को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। यहाँ मैंने कुछ स्ट्रॉबेरीज ले लिए हैं, ये फ्रेश स्ट्रॉबेरीज है, आप चाहे तो फ्रोजन भी यूज कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी में एंटी ऑक्सीडेंट एलर्जिक एसिड होता है जो कोलेजन को डिस्ट्रॉय होने से बचाता है, इसी वजह से ये रिंकल फॉर्मेशन में भी रोक डाल देता है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि विटामिन सी में बहुत रिच होता है स्ट्रॉबेरी, जो एजिंग प्रोसेस को रिवर्स करता है। यहाँ मैंने उन सारे स्ट्रॉबेरीज को वॉश करके प्रोसेस कर लिया एक मिक्सर ग्राइंडर में। बिल्कुल इसी तरह से स्ट्रॉबेरी का प्यूरी कर लेना है आपको, और इसमें से आपको एक बड़ा चम्मच ही चाहिए होगा बस। अगला इंग्रेडिएंट जो चाहिए होगा हमें वो है दही। दही या योगर्ट अगेन एक स्ट्रॉन्ग एंटी एजिंग एजेंट है जो फाइन लाइंस और रिंकल्स को नेचुरली रिड्यूस करता है। योगर्ट में लैक्टिक एसिड होता है जो डेड स्किन को डिसॉल्व करने की क्षमता रखता है और आपके पोर्स को टाइट कर देता है। इस मास्क को बनाने के लिए लास्ट इंग्रेडिएंट जो चाहिए होगा वो है शहद। शहद एक नेचुरल फेस क्लेंजर और एक्सफोलिएटर है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स है जो फ्री रेडिकल्स को रिमूव करके स्किन को रिपेयर करता है, और ये एंटी एजिंग प्रोसेस का बहुत अहम हिस्सा होता है। अब आइए देखते हैं कि इस फेस मास्क को बनाना कैसे है। सबसे पहले एज यूजुअल एक क्लीन बोल और स्पून ले लें, और अब एक बड़ा चम्मच इसमें स्ट्रॉबेरी का प्यूरी डाल दें। अब नेक्स्ट इसमें एक बड़ा चम्मच दही डालें और मिक्स कर ले अच्छे से। लास्ट में एक छोटे चम्मच या एक टीस्पून के करीब शहद डाल दें इसमें और अच्छे से मिला लें। दैट्स इट गाइस, आपका होममेड एंटी एजिंग एंटी रिंकल फेस मास्क बिल्कुल तैयार है। इस मास्क का डेमो मैं अपने हाथ में करके दिखा रही हूँ। बिल्कुल इसी तरह अपने फेस और नेक पे इसका मसाज करिए अच्छे से इन अपवर्ड सर्कुलर मोशंस। करीब 2 मिनट तक मसाज करने के बाद आप इसे 15 मिनट तक ऐसे ही रहने दें और फिर गुनगुने गर्म पानी से धो लें। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए कम से कम 3 से 4 बार वीक में इसे करें। आपको 2 से 3 हफ्ते के अंदर ही रिंकल्स और फाइन लाइंस कम होते हुए दिखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय गाइस।